बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़िम, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिपोर्टर्स डेस्क। नाज़िम, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सामने हम आए दिन कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेके आते रहते हैं, और आज भी जो मैं स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ वो एक बाहिम्मत मर्द की है, जो कि थोड़ा सा भी काम अगर हालात बुरे हो जाएँ तो वो हिम्मत नहीं हारते, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए एक नया काम लेके सामने आ जाते हैं और बड़ी हिम्मत से वो काम कर भी रहे होते हैं। मैं आज जिनके बात कर रही हूँ वो एक एक्टर हैं, उनका नाम शहबाज अली है और उनको महंगा गुज्जर के नाम से भी जाना जाता है। वो मेरे साथ ही मौजूद है। 20 से 25 मूवीज़ में काम किया, उसके अलावा ड्रामास में काम किया, एड्स में काम किया, लेकिन फिर ऐसे क्या नौबत आई कि उन्हें एक 30 स्टॉल चलाना पड़ रहा है। मेरे साथ ही मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज अली साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। शहबाज अली साहब, सबसे पहले तो जी बड़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि आप एक एक्टर भी हैं शोबे के लिहाज से, और माशाल्लाह आप एक 30 स्टॉल भी चला रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इस हवाले से बताइएगा कि ये नौबत कैसे आई कि शोबे इंडस्ट्री के साथ साथ आप ये काम भी कर रहे हैं? नौबत ऐसी आई कि ये जो काम है ना शोबे का जी, आगाज़ में जब अल्लाह ताला कामयाबी दे दे तो ठीक है, तो उससे पहले भी आप जितने भी एक्टर देख रहे हैं इनका जब माजी उठा कर देखें तो बहुत मेहनत है। हाँ जी। तो इसमें आप जो स्टार्ट में जब स्ट्रगल कर रहे हो तो आप इससे घर का किचन नहीं चला सकते। घर का किचन चलाना बहुत मुश्किल है, तो उसके साथ साथ आपको पता है फिर मैं चाय का काम भी कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सही है। फैमिली में कौन कौन है? मैरिड है? जी, मैरिड हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाइफ है और मेरी माँ है और मेरा एक भाई है, उसकी डेथ हो गई, उनके बच्चे हैं मेरे साथ। अच्छा। अल्लाह ताला का करम है तो चार उनके बच्चे हैं, वो मेरे ही बच्चे हैं, वो भी मेरे साथ है, अल्लाह ताला का करम। काम मिल जाता है आसानी से, क्योंकि न्यू फेसेस जो मेरे मुझे लगता है हम देख रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई एक आध सीन मिल गया, इतना हो जाता है कि आप उससे घर का गुजारा भी कर सकें, घर चला सकें, उतना कमा लेते हैं उससे? अल्लाह का शुक्र है, कमा तो मैं लेता हूँ। तो आपको पता है जिस काम से आपको रिजक मिल रहा हो ना, उस काम को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए मैं ये इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहूँगा और ना ही अपने चाय के काम को बुरा कहूँगा, क्योंकि इससे मुझे रिजक मिला। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ये हलाल की कमाई कमा रहे हैं आप, ये तो बुराई है नहीं। कोई छोटा हो बड़ा हो, काम कोई भी हो, अगर हलाल तरीके से कमाया जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है उसमें। बस इंडस्ट्री में ये है कि फिल्म में कुछ लोगों के रवैये आपको थका देते हैं, इग्नोरपन, क्योंकि मैंने आज तक जिन लोगों के साथ प्यार किया है, मोहब्बत किया, बदले में उन्होंने मेरे साथ वो मोहब्बत वो प्यार नहीं किया। मैं यहाँ नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगा, बस मैंने अल्लाह की खातिर उनको माफ़ कर दिया। गुड हो गया। किसी ने सपोर्ट भी किया? जी जी, मतलब होता है फैमिली बैकग्राउंड में आपके चचा नहीं है, आपके दादा, आपके बाप, भाई, कोई भी इस इंडस्ट्री में पहले से नहीं है, तो कैसे गए इस इंडस्ट्री में, इन कैसे हुए आप? बस शौक मुझे था ना बचपन से, तो खुद ही अपने अल्लाह की रहमत के साथ खुद ही अपने बलबोते पे जितना मुझसे लिंक हो सका मैंने बनाए हैं, तो मैं इसमें इन हो गया हूँ। मैंने यहाँ तक के फ्री किया हूँ, शुरू में 200 रुपये दिहाड़ी पे, 400 रुपये दिहाड़ी पे, यहाँ तक के लारे लपे, कोई चक्कर नहीं, कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, पेट्रोल का किराया भी नहीं मिला, तो मैं गया हूँ तो हो के आ गया हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है, अब अच्छे पैसे मिल जाते जब जाता हूँ। अब तक जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ड्रामास में किया है, मूवीज में भी काम किया है, एड्स में भी काम किया, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा किसमें रहा आपका, तो याद हो? सबसे ज़्यादा अच्छा रहा टीफन ट्रबल मूवी थी, एक उसमें काम करके अच्छा लगा। अच्छा। और एक कराची की एक मूवी है, वो पेंडिंग है कोरोना की वजह से, उनका नाम है फिल्म का गवारा है नाम, तो उसमें मेरा माशाल्लाह 20-25 मिनट का सीन है, टॉकी सीन है, तो वहाँ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, वेरी गुड हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शहबाज साहब, जैसा कि आप हम भी जानते हैं कि हमारी पूरी मूवीज़ इंडस्ट्री जो है, मीडिया इंडस्ट्री ही कह लें, लाहौर में तो प्रोडक्शन बहुत कम है, सारी आपकी कराची में बैठी हुई है, तो फिर आप जब काम के लिए जाते हैं तो यहाँ से मूव करना पड़ता है आपको कराची में, या यही लाहौर में ही करते हैं आप लोग? नहीं, कराची में तो अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला, अलबत्ता यहाँ सियालकोट चले गए, गुजरांवाले चले गए, फैसलाबाद चले गए, आउट ऑफ सिटी का काम मिल जाता है, तो फिर वो कन्वेंस देते हैं आने जाने की, तो फिर मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि पैकेज भी अच्छा होता है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो एक शूट का कितना पे करते हैं वहाँ को? आउट ऑफ सिटी जोन सा, वो आपको पता है कि एक दो दिन लग जाते हैं, तो कम से कम 10K। अच्छा, जो मैं अपना बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, आपको पता है इस इंडस्ट्री में हर कोई, तो वो कहते हैं ना पंजाबी में वड्डू है,
वो कहता है उसकी टांग खींच लूँ उसकी टांग खींच लूँ, तो टोका चला देते हैं, तो फिर वो हमारे पैकेज की ऐसी की तैसी हो जाती है। आपके भी टांगे खींची किसी ने? 3600 बंदों के, मैं किन किन के नाम लूँ? नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वरना वो खींचेंगे वो आपकी टांगे। अच्छे बुरे इंसान हर जगह में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। आप में टैलेंट होता भी है, पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, लेकिन हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि उनको सामने नहीं आने देते हैं? मैडम जी, दरअसल बात ये है कि वो बब्बू बरार अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते कहा करते थे कि पंजाबी में थकना नहीं, चकना नहीं, थकना नहीं। इस फील्ड में ये तीन बातें हैं, ये तुसी चाके थाके आके फिर तुसी फारो। तो जो है जो सोखे हैं घर से घर बार से, आपको पता है वो पैसे दे के हर काम में अपना काम करके वो आगे आ जाते हैं, जिनके फेस अच्छे हैं। तो जिनमें टैलेंट है मगर सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, वो फिर रुल रहे होंगे जी, मैं रुलता पाया। दिल बर्दाश्त हो के कभी सोचा कि यार दफा करें, जब काम ही नहीं है तो क्या करना है, इसलिए शॉप आग लगे सारे शॉपों को पूरे नहीं करने, बस सोचा कभी ऐसा। ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन हो जाती है, पर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम तंग हो जाओ फिर नमाज से काम लो। तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला के साथ बातचीत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, तो सब्र के साथ काम लेता हूँ। तो कभी कभी हो जाते हैं, आपको पता है इंसान है, हट हो जाता है, और पीछे कोरोना आ गया तो ये भी काम बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, तो इतने तंग हो गए कि अल्लाह का शुक्र है किसी के हाथ नहीं फैलाया। तो मैं ये अलहमरा हाल गया हूँ, तो वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वहाँ भी यही हाल है कि वो जो इमदाद के पैसे लेने आ रहे हैं, अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो कार पे चल के आ रहे हैं इमदाद के पैसे लेने के लिए, कार पे आ रहे हैं, तो सोचे कि वो उनको ज़रूरत है, वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ के लिए, तो इसलिए वो हमारा भी वही खा जाते हैं जो एक्टर पहले ही कमा रहे हैं। आजकल सबको शौक है मीडिया पे आने का, सब चाहते हैं हम मूवीज में काम करें, हम ड्रामास में काम करें। अब तक आपने जो सीखा इस फील्ड से, आपने काम के दौरान जो देखा लोगों को, क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को, बेटियों को, बहनों को जो चाहती है कि वो काम करें, कोई पैगाम देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे तरीका कि आप इस तरह से आराम से इसमें इन हो सकते हो या काम कर सकते हो? मैं यही आने वाले जो नस्ल है, वो बहने हमारी भी बहने हैं, मैंने हमेशा औरत जात की इज्जत की है इस फील्ड में आके, जो औरत जात है उनको मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ, ठीक है आप इस आए फील्ड में, मगर अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखे आए, तो उनकी इज्जत का ख्याल रखें आप, क्योंकि उनको बहुत तवक्को होती है आपसे। और मेल जो हजरात है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ इस फील्ड में शौक से आएँ, मगर पहले अपनी तलीम पूरी करें, और इस फील्ड में आगे किसी को जो नया बंदा है उसको पैसे नहीं देने आपने, क्योंकि यहाँ फ्रॉड है, जो माड़ा बंदा है जिसने भी। अच्छा, मैं माफ कीजिएगा आपको बात काटूंगी आपकी, मैंने ये भी सुना है कि जो फेक लोग होते हैं ना इस फील्ड में, वो पहले आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, ऐसा होता है कि आपको पहले पैसा लेके काम करना पड़ता है? नहीं, ये जो लोग होते हैं जो पैसे लेके काम करवाते हैं वो टोटली फ्रॉड होता है, वो आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको रंगीनियाँ दिखाएंगे, आप इधर काम करेंगे ऐसे करेंगे, तो भी 25,000 रुपये ले आया मेरे को, प्रोडक्शन हाउस मेरा अपना है, उनका कमरा भी नहीं होता अपना। अच्छा। तो आप ऐसे करना, आप ऐसे करना, आपको स्टार बना देंगे, इसको मैं लेके आऊँ, इसको मैं लेके आऊँ, वो सिर्फ सबज बाग की हद तक है, इसमें रियलिटी कोई नहीं है। तो फिर यकीन किस पे किया जाए, मतलब कैसे लोग होंगे वो जिन पे हम यकीन करेंगे? यकीन करने के लिए एजेंसियाँ बन गई है ना, अब वो पुराना दौर नहीं रहा, अब एजेंसियाँ बन गई हैं, आप उनमें क्लिक करें, अपना पोर्टफोलियो बनाए, इंशाल्लाह ताला फिर आपको काम मिलेगा। आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों की जरूरत है कि हम मुस्तकबिल हमारा ऐसा ना हो? मैडम जी, बात ये है कि छोटे से छोटा पेशा तैयार करना किसी के आगे हाथ मिलाने से बेहतर है। ये जो काम कर रहे हैं छोटे मोटे शुरमे लगा रहे हैं, बर्गर लगा रहे हैं, चाय लगा रहा हूँ जैसे मैं, तो ये उन लोगों से बेहतर है जो हाथ मिला रहे हैं। कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो हाथ मिलाने लगे हैं कोरोना के दिनों में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर ये वो गलत करते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिए हैं तो आप मेहनत करो। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, बल्कि बहुत सारे क्या ऐसे ही इंडस्ट्री में हमें नज़र आ रहे होते हैं कि खुद तो वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं लेकिन दूसरों का काम करना उन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्या वजह नज़र आती है आपको इसके? इस फील्ड में ऐसा है कि जेलस पुनी बहुत है, जो आप थोड़ा सा देखते हो ना कि बंदा स्टार बन गया है, तो उससे पहले हमसे जूनियर है, वो उस क्या करता है, मैं व्हाट्सएप का जवाब देना कि गुवारा नहीं करता। अच्छा। यार उनते मैं स्टार बन गया कि तंग करी जा रहे हैं मेरे, उसकी बोलनी बैठनी उठनी ऐसे हो जाती जैसे स्टार हो जाता है, तो गुरूर जो है ना वो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो फिर गुरूर करने वाले इंसान का हाल बुरा ही होता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को अपने से जूनियर बंदे को मैसेज किया और वो स्टार बन के आपको जवाब ना दे रहा हो? जी, मेरे साथ ऐसे कई दफ़ा हुआ है, जो मेरे में यानी कि ना बाद में आया मुझसे, तो ठीक है अल्लाह पाक उन्हें दे इज्जत, दे अल्लाह पाक के हाथ में है इज्जत और जिल्लत, मगर वो जब मैं उनको कोई काम कहता हूँ, कोई फ़ोन करता हूँ, उनके बस में भी होता है, मगर वो मुझसे आगे से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मुझे जानते हैं। आखिर पे आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे?
पैगाम सबको, अच्छे बुरे सब लोगों को। जो बुरे लोग हैं उनके लिए ये पैगाम है कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, और जो अच्छे लोग हैं वो तो है ये चीज़ तो अल्लाह ताला को पसंद है। तो अगर मेरा ये प्रोग्राम अगर आफ्ताब इकबाल साहब सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके शो में आना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आप मुझसे एक दफ़ा चांस दें मुझे, इंशाल्लाह ताला मैं आपको मायूस नहीं करूँ। ठीक हो गया जी। आफ्ताब इकबाल साहब अगर आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तो शहबाज साहब चाह रहे हैं कि आप उनको ज़रूर बुलाएं अपने प्रोग्राम में, एक चांस ज़रूर दें। बाकी वो टैलेंटेड तो हैं ही, वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। और अब मुझे भी नाज़िम इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहिए। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आप जितने लोगों के लिए रास्ते आसान करेंगे वो आपके लिए रास्ते आसान करेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा के बाद।